सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हमारे प्राइस डिटरमिनेशन चैप्टर का पार्ट फिफ्थ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे प्राइस निकालने की मीन्स इक्विलिब्रियम प्राइस निकालने क्या पार्ट फिफ्थ में कि स्पेशल कंडीशन में इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आई टी क्लासेस की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मैं बता दूं, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में बेसिकली स्पेशल कंडीशन हम डिस्कस करेंगे, विशेष स्थितियाँ। अब स्पेशल कंडीशन क्या है? देखिए, स्पेशल कंडीशन का मतलब होता है जब हमारी मांग और पूर्ति लोचदार बेलोचदार, मीन्स डिमांड इलास्टिक इनलास्टिक में क्या होगा और सप्लाई इनलास्टिक और इलास्टिक में क्या होगा। तो देखिए, इसके अंदर पहले बात करते हैं हम इलास्टिक की, या इलास्टिक के अंदर भी क्या, पहले एक काम करते थे, लिखते हैं डिमांड। अब डिमांड दो तरह की हो सकती है, एक तो इलास्टिक और एक इनइलास्टिक। किसकी मांग? मांग लोचदार हो तो क्या होगा, बेलोचदार होगा तो क्या होगा। और अब सप्लाई इंक्रीज, सप्लाई डिक्रीज, याद रखना अपोजिट होगा। अगर डिमांड है तो सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज होगी। सेम लाइक सप्लाई इंक्रीज, सप्लाई डिक्रीज, ठीक है। फिर ऐसी डिमांड के बाद हम बात करेंगे किसके ऊपर, सप्लाई के ऊपर। सप्लाई में भी क्या, सप्लाई इलास्टिक, सप्लाई इनइलास्टिक। फिर इसमें डिमांड इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, इसके अंदर भी डिमांड इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, ये सारे डायग्राम बनेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, डिमांड की। तो फर्स्ट, व्हेन डिमांड इज इलास्टिक। अब आपको याद होगा तो पहले चीज़ आप समझ लीजिए, इलास्टिक का मतलब होता है, मैंने एक याद करने के लिए आपको बताया था, इलास्टिक का मतलब होता है गिरगिट, गिरगिट। और इन इलास्टिक का मतलब होता है ढीट। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? ढीट। ढीट मतलब पता है ना, पिट पिट के कुछ भी हो जाए लेकिन वो काम नहीं करता। और गिरगिट का किस लिए फेमस है? गिरगिट इसलिए फेमस है कि अगर वो जिस चीज़ को देखे उस चीज़ का रंग ले लेती है। तो अब बात हो रही है इलास्टिक की। इलास्टिक का मतलब डिमांड क्या है, इलास्टिक है, वो अपना रंग बदलेगी। अब यहां पर केस ए निकलता है, सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज दोनों एक साथ समझ लेते हैं। देखिए, जब भी सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक होती है, उसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ठीक है, डीडी। अब समझो डिमांड क्या है, इलास्टिक है, दोनों बराबर थे। अब क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गई तो डिमांड क्या होगा, इसको देखा देखिए अपने आप को क्या कर लेगी, बढ़ा लेगी। सप्लाई डिक्रीज होगी, डिमांड अपने आप को घटा लेगी। मींस क्योंकि वो इलास्टिक है, इलास्टिक मतलब गिरगिट है, गिरगिट मतलब अपने आप में चेंज कर सकती है। इन दैट केस सप्लाई के अकॉर्डिंग डिमांड अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। तो इस केस में एक ये क्यू ले लेते हैं और यही प्राइस है, ये तो डी डी हो गया, ये हमारा एस एस हो गया। हुआ क्या, सप्लाई इंक्रीज हुई S1 S1, लेकिन क्वांटिटी तो बढ़ी लेकिन प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेम डिक्रीज में कर लो, अगर सप्लाई डिक्रीज होती है तो उसका डायग्राम यहाँ बन जाएगा Q2 S2 S2, बट देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, याद रखना, ठीक है। ये कौन सा हमने समझा, इलास्टिक का। अब इसको मिटाकर यहाँ पे हम समझते हैं इन इलास्टिक का। जब डिमांड इन इलास्टिक होती है तो ये कुछ ऐसा होता है डी डी, ठीक है, y x 0, ठीक है। तो डिमांड जब इलास्टिक है, इनलास्टिक है, इन दैट केस सिचुएशन में क्या होगा, आप समझो कि इनलास्टिक का मतलब है ढीट है। अब डिमांड ढीट है, सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। सप्लाई कह रही है ऊपर आ जा, ये कह रही है मैं ढीट टू नहीं आऊँगी। सप्लाई कह रही है ऊपर आ जा, मैं ढीट टू नहीं आऊँगी। अब नहीं आ रही ऊपर तो डिफरेंस हो गया ना, अब ज़्यादा कौन है, सप्लाई ज़्यादा है। अब आप भी सोचो, आप सरकार हो, सप्लाई ज़्यादा है लेकिन उस चीज़ की डिमांड नहीं बढ़ रही है, तो आप रेट क्या कर दोगे, आप रेट घटा दोगे। सो इस केस में एक सिंपल, पहले पी ए रहा और ये हमारा एस एस। अब सप्लाई की हम बढ़ने की पहले बात करें तो बढ़ने के लिए इधर होता है, ये हमारा एस टू आ गया, एस टू, ठीक है, ये एस वन बोलो। अब ये यहाँ कट कर रहा है तो यहाँ पे देखो प्राइस क्या हो गए, कम हो गए। हम बोले ना प्राइस घट जाएंगे। इसका जस्ट अपोजिट बना के देखते हैं कि मान लो दोनों पहले बराबर थे, सप्लाई नीचे आ गई, सप्लाई कह रही है नीचे आ जाओ भाई, लेकिन ये क्या है, ढीट है, ढीट है मतलब इनलास्टिक है, नहीं आएगी, तो सिचुएशन तो ये बन गई।
अब दिक्कत यह है सप्लाई यहाँ पर कम है और डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो इस केस में गवर्नमेंट प्राइस क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो देखो यहाँ पे सप्लाई बढ़ गई, यहाँ कट कर रहा है, ये S2 हमारा, ये S2, लेकिन इसके सिचुएशन में प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है, मतलब कि एक बात गांठ बांध लो, समझ लो कि अगर इनइलास्टिक है तो रेट चेंज होगा, मींस प्राइस चेंज होगा, लेकिन अगर प्राइस वो डिमांड या सप्लाई इलास्टिक है तो वहां पर प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, चलो ये हमने समझ लिया, ओनली कौन सा, डिमांड का इलास्टिक भी समझ लिया और इन इलास्टिक भी समझ लिया। अब समझ लेते हैं सप्लाई का भी साथ में, सप्लाई इलास्टिक की बात करते हैं पहले और इसके अंदर हम दोनों केस पढ़ लेंगे। सप्लाई इलास्टिक है तो उसका भी डायग्राम कुछ ऐसे बनता है SS, ठीक है, और डिमांड का DD ऐसे बनेगा। यहाँ कट कर रहा है, इसको ई बोलेंगे, ये हमारा क्यू हो गया। अब यहाँ पर दो केस निकाल लें, डिमांड इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज। तो देखो डिमांड इंक्रीज होती है, इधर जाती है D1। सप्लाई में कोई चेंज नहीं है क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ सप्लाई क्या है, इलास्टिक है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई अपने आपको बढ़ा लेगी, अगर सप्लाई डिमांड घटेगी तो सप्लाई अपने आपको घटा लेगी। इस सिचुएशन में प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्राइस वही रहेगा। तो देखो चाहे डिमांड घट रही है बढ़ रही है, दोनों ही केस में हमारे जो प्राइस है वो सेम है, बस क्वांटिटी में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो आप एरो करके ये दिखा भी देना, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। बात करते हैं इन इलास्टिक की, तो इन इलास्टिक में आपका वाई एक्सिस, जीरो एक्सिस, एक्स एक्सिस। इन इलास्टिक में डायग्राम ऐसे बनता है, ये हमारा कौन सा कर्व है, SS कर्व है। एक DD कर्व बना दो, DD ये हो गया, यहाँ कट कर रहा है, ये हमारा P हो गया। अब हुआ क्या, हुआ ये कि सप्लाई और डिमांड बराबर थे, सप्लाई इलास्टिक है, डिमांड इंक्रीज हुई लेकिन सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई, तो डिमांड ज़्यादा है, गवर्नमेंट प्राइस बढ़ा देगी, डिमांड बढ़ाओ भाई। ये देखो यहाँ D1 हो गया, यहाँ D1 हो गया, यहाँ कट कर रहा है, इस केस में देखो P1 क्या हो गया, बढ़ गया प्राइस। और अगर डिमांड गिर जाए तो इस सिचुएशन में प्राइस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। मीन्स अगर आपने पुरानी वीडियो ढंग से देखी ना तो इस वाली वीडियो को समझने आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको दोबारा एक शॉर्ट में बता दूँ कि जब डिमांड हो या सप्लाई हो वो लोचदार है, लोचदार मतलब इलास्टिक है, तो वहाँ प्राइस में चेंज होगा, मतलब नहीं होगा, लोचदार में नहीं होता। लेकिन अगर इन इलास्टिक है तो इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन कीमत बदलेगी। ठीक है, तो होप्स हो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट में हम इसका अधिकतम कीमत और न्यूनतम कीमत, फ्लोर प्राइस और मैक्सिमम प्राइस वाला क्वेश्चन करके ये चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।